सब्सक्राइब करिए आर्यवर्त इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये एकदम फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपच के बारे में। हाँ, ऐसी समस्या जो कि आज के समय में हर घर की समस्या बन चुकी है। हर घर में आपने देखा होगा कि कोई ना कोई व्यक्ति अपच का शिकार हो ही जाता है, और जहां व्यक्ति की उम्र 40 के पास पहुंचती है तो अपच की समस्या तो एक आम हो जाती है। फिर उसके बाद व्यक्ति कहीं हाथ मूला खाए, कहीं ये मूला खाता है, कहीं वो मूला खाता है, ना जाने क्या क्या चीज़ें खाती रहते हैं, चूर्ण खाते हैं, सिरप पीते हैं। लेकिन नहीं, अपच यदि हो रहा है तो इन चीज़ों को खाने से आराम नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, और कुछ घरेलू चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे कि हमारे कुछ मसाले होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, कुछ फल होते हैं, इनको सही ढंग से अपनी लाइफ में जोड़ने की ज़रूरत है। अपने जो आप दिन भर में खाना खाते हैं ना, उसमें जोड़ने की ज़रूरत है। यदि इसको आपने लाइफ रूटीन में इन चीज़ों को शामिल कर लिया तो अपच की समस्या खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आपको कोई सिरप, कोई चूर्ण, कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आप कैसे इसका इलाज कर सकते हैं? तो अपच या खाना ना पचना पर खाद्य सामग्री के अंगों में दर्द होता है, गैस भरती है जिससे भारीपन, बेचैनी, जी मचलाना, वमन आदि होते हैं, अग्नि मंद हो जाती है, अपच, अजीर्ण, बदहजमी, सभी का अर्थ है खाना ना पचना। बदहजमी के में दस्तों को संग्रहणी कहते हैं। नींबू से इसका इलाज संभव है। अमरूद है, फूल गोभी है, बसुआ, दही, लौंग, हींग, जीरा, धनिया, अजवाइन, नीम, पानी, मूली, अनानास, पपीता, गाजर, प्याज, छाछ, राई, नमक, अदरक, तुलसी, कॉफ़ी, न जाने कितनी सारी चीज़ें जिनका इलाज संभव है इससे। तो यहाँ पर मैं बारी बारी करके सबके बारे में बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं नींबू से। अपच होने पर नींबू की फांकी पर नमक डालकर गर्म करके चूसने पर खाना सरलता से पच जाता है। यकृत के समस्त रोगों में नींबू लाभदायक है। भूख नहीं लगे, अजीर्ण हो, खट्टी डकारें आती हों तो एक नींबू आधा गिलास पानी में निचोड़कर शक्कर मिलाकर नित्य पीना चाहिए। अमरूद, अपच अग्निमंद हो, अफरा के लिए अमरूद उत्तम औषधि है। इस रोग वालों को 250 ग्राम अमरूद खाना खाने के बाद खाना चाहिए। अन्य लोगों को खाना खाने से पहले खाना चाहिए। फूलगोभी, गाजर का रस और फूलगोभी का रस समान मात्रा में मिलाकर पीते रहने से जोड़ों और हड्डियों का दर्द, अपच, आँखों की कमजोरी में लाभ होता है। बथुआ, बथुए का रस पिएं, सब्जी खाएं, इससे पेट के हर प्रकार के रोग, यकृत, तिल्ली, अजीर्ण, गैस, कृमि, अर्स, पथरी सभी ठीक हो जाते हैं। दही, दही में सेका हुआ जीरा, नमक और काली मिर्च डालकर नित्य खाने से अपच दूर हो जाता है, भोजन शीघ्र पच जाता है। लौंग, लौंग दो लौंग पीसकर उबालते हुए आधा कप पानी में डालिए, फिर कुछ ठंडा होने पर पी लीजिए। इस प्रकार तीन बार नित्य करें, अपच दूर हो जाता है। हींग, हींग छोटी हरड़, सेंधा नमक, अजवाइन सब समान मात्रा में मिलाकर पीस लें। एक चम्मच रोज तीन बार गर्म पानी से फांकी लेने से अपच ठीक हो जाता है। जीरा, जीरा सौंठ, सेंधा नमक, पीपली जो आप लॉन्ग पेपर्स बोलते हैं उसको बोलते हैं पीपल, काली मिर्च सब समान मात्रा में मिलाकर पीस कर एक चम्मच भोजन के बाद पानी से लेने से भोजन शीघ्र पचता है। दो चम्मच जीरा एक गिलास पानी में उबालें, ठंडा होने पर छानकर आधा आधा कप तीन बार पिएं तो इससे भी लाभ होता है। धनिया से कैसे इलाज संभव है इसका? तो जिसे भोजन नहीं पचता हो, खाने के बाद जल्दी ही मल जाने की इच्छा होती हो, उसे 60 ग्राम सूखा धनिया, 25 ग्राम काली मिर्च, 25 ग्राम नमक तीनों मिलाकर पीस कर खाना खाने के बाद आधा चम्मच नित्य फांकी लेनी चाहिए तो इससे लाभ होता है। अजवाइन, अजवाइन एवं छोटी हरण समान मात्रा में पीसकर हींग और सेंधा नमक स्वादानुसार मिला लें, भोजन के बाद एक चम्मच गर्म पानी से लें तो इससे लाभ होगा। या इसके अलावा एक चम्मच पिसी हुई अजवाइन और स्वादानुसार सेंधा नमक मिलाकर प्रातः भूखे पेट पानी से साथ लेने से लाभ होता है। नीम, 25 नीम की पत्ती आपको लेनी है, 3 लौंग,
3 काली मिर्च, पीस कर थोड़ा पानी और शक्कर मिलाकर सुबह शाम रोज 3 दिन तक पियेंगे तो इससे अपचता दूर हो जाती है। पानी, खाना ना पचे, बदहजमी हो जाए तो एक दिन केवल पानी पीकर ही रहें, अन्य कुछ ना खाएं। कब्ज रहे तो भोजन के साथ घूंट घूंट पानी पीते रहना चाहिए। प्रातः उठते ही एक गिलास पानी पिएं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अधिक इसका लाभ देखने को मिलेगा। मूली, अपच होने पर भोजन के साथ मूली पर नमक काली मिर्च डालकर 2 माह तक नित्य खाते रहने से अपचता जड़ से खत्म हो जाती है। अनानास, अनानास की फांकी पर नमक और काली मिर्च डालने से अजीर्ण दूर हो जाता है। पपीता, खाना ना पचने पर पपीता खाना अच्छा होता है। यदि आपकी मंदाग्नि, अपच, अजीर्ण, सूल, खट्टी डकारें आने की शिकायत रहती है तो लगातार 20 दिन तक पपीते का सेवन करते रहना चाहिए। प्रातःकाल नाश्ते के रूप में पपीता लें तो यह बहुत ही अच्छा होता है। गाजर, घी, तेल, चिकनी चीज़ें ना पचने पर गाजर का रस 310 ग्राम, पालक का रस 185 ग्राम मिलाकर पिएं तो फिर आप देखेंगे कि आपको की अपचता दूर हो जाती है और आप जो घी, तेल या चिकनी चीज़ें हैं उनका पाचन कर पाएंगे। प्याज, प्याज काटकर उस पर नींबू निचोड़कर भोजन के साथ खाने से अजीर्ण दूर होता है। बच्चों में अजीर्ण से प्याज के रस की 5 बूंद पिलाने से लाभ होता है। छाछ, घी, तेल और मूंगफली का अजीर्ण होने पर छाछ पीने से लाभ होता है। राई के साथ इसका कैसे उपचार किया जा सकता है? तो राई यानी जो सरसों होती है, सरसों के बीज या राई एक ही चीज़ कहला जाती है। तो अजीर्ण होने पर 3 ग्राम राई पीसकर पानी में घोलकर पिएं तो आपको लाभ होगा। नमक, पाचन शक्ति खराब हो, हल्के भोजन से भी दस्त लग जाएं, कभी पैंचेस, कभी कब्ज, शरीर दुर्बल हो तो 5 ग्राम काला नमक गर्म पानी में घोलकर पीने से लाभ होता है। बच्चों को प्रायः 1-2 माह में देना चाहिए। सेंधा नमक 1 भाग, देसी चीनी यानि उसका बूरा 4 भाग मिलाकर पीस लें। अब क्या करना है आपको, इसकी आधी चम्मच की फाकी पानी से खाना खाने के बाद 10 मिनट बाद लेने से अपच, भूख की कमी, सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं। अदरक के साथ इसका इलाज भी संभव है दोस्तों। अदरक, अदरक का रस 1 चम्मच, नींबू का रस और सेंधा नमक स्वादानुसार मिलाकर 2 बार खाने से पहले और खाने के बाद में पीने से अपच दूर हो जाती है। अमरूद में सौंठ डालकर पीने से भोजन पचता है, भूख अच्छी लगती है, साथ ही यह कम से कम 10 दिन तक आपको करना है। तुलसी, तुलसी काली मिर्च खाने के बाद चबाने से अजीर्ण, मंदाग्नि सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कॉफ़ी, भोजन करने के बाद कॉफ़ी से चित्त प्रसन्न और हल्का महसूस होता है। यहाँ पर दोस्तों अन्य जानकारियाँ ये हैं कि हींग और दालचीनी का भी अपचता के लिए एक बेहद अच्छा प्रयोग है। हींग का कैसे प्रयोग करना है आपको, हींग से बनी होम्योपैथिक मदर टिंचर की 10 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीने से बदहजमी दूर हो जाती है। दालचीनी, दालचीनी में अजीर्ण होने पर दालचीनी, सौंठ, इलायची जरा जरा सी मिलाकर खाते रहने से बेहद लाभ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने न जाने कितने सारे आपको अलग अलग तरीके बता दिए जिनमें से किसी भी चीज़ का उपयोग करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके घरेलू स्तर पर आपके किचन में ही मिल जाएंगी और वहाँ से जब आप इन चीज़ों को लेकर मेरे बताए गए तरीके से आप उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अपचता, अजीर्णता, पेट में गैस बनना वगैरह वगैरह समस्याएँ किस तरीके से छूमंतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारियाँ आपको बेहतर लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी। यहाँ पर हम ऐसे ही अलग अलग तरह की जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं और ये भी बताते हैं कि उनका किस तरीके से उपयोग करना है, क्या सावधानियाँ रखनी है, किन चीज़ों का आपको यहाँ पर देख रेख करना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको बेहतर लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको बेहतर लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लाइक करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए और कमेंट करिए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।